एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात उज्जैन की कर लेते हैं, जहां एयर एम्बुलेंस के शुभारंभ और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के समापन के मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उद्योगपतियों को जो भी मुश्किलें होंगी उसका समाधान करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर कानून भी बदले जाएंगे। उनकी माने तो अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के 250 उद्योगपतियों ने एमपी में निवेश की इच्छा जाहिर की है। सीएम की माने तो उज्जैन संभाग के नीमच जिले में 34,000 करोड़ की सीमेंट प्लांट का भूमि पूजन किया गया और उद्योग को बढ़ाने के लिए प्रदेश में बेहतर माहौल बनाने की बात कही गई। तो पीएम श्री उद्योग में भी हम आगे बढ़े हैं, लेकिन इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए जीडीपी में हमारी और अच्छी स्थिति बने, जो अभी हमारा आंकड़ा है उसको हम डबल पे पहुंचाए, ये प्रयास करने के लिए हमने ये पूरा आयोजन किया था। मैंने एयर एम्बुलेंस की बात तो रख ही दी है, हमने कोशिश की कि ये पूरा आयोजन खास करके हमारी वर्तमान की कृषि खाद्य प्रसंस्करण, खनिज, इंजीनियरिंग, कपड़ा, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, शहरी अधोसंरचना और भी अन्य क्षेत्रों में जहां जहां भी निवेश की संभावना है, उन सभी को समेकित रूप से एक ही छतरी के नीचे कार्यक्रम करने का प्रयास किया था। और इसी के माध्यम से सरकार की प्रत्येक जिले के उत्पाद को लेकर के ODOP और अन्य उत्पादों को लेकर के बढ़ावा देने के लिए हम लगातार बायर सेलर बैठक करके इस दिशा में भी हमने काफी लोगों के लिए ध्यान आकर्षित। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।